हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर चैनल चंडीगढ़ वाला बस। अगर आपने वीडियो में गलती से क्लिक कर दिया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद। एमिवे बंटाए और सिद्धू मूसेवाला, इनके गाने तो आपने सुने ही होंगे और मैंने भी सुने हैं, जिनको देख के हमारा भाई मजा आ जाता है और मोटिवेशन आ जाती है, जिन पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन व्यूज आते हैं, जो कि हमारे नहीं आते, दुख है इस बात का। पर तुम्हें ये पता है कि जो ये आज सिंगर बड़े बड़े मिलियंस में व्यूज ला रहे हैं, इनकी फर्स्ट वीडियो कौन सी थी? इनमें से कुछ रैपर तो ऐसे हैं जिनकी रिकॉर्ड हुई थी वीडियो बैटल रैप में, और पर एक रैपर ऐसा है जो कि अपना ऑडिशन देकर टीवी में सबसे पहले आ गया था, पर उसकी इतनी पहचान नहीं बनी थी, बल्कि रैप के बहाने उसकी बहुत बड़ी पहचान बन गई और लास्ट वाले तो शादी में बोल नहीं पाते हुए दिखे थे। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी। नंबर 5, कृष्णा। इसके रैप तो तुमने सुने होंगे और मैंने भी सुने हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार होते हैं। कृष्णा भाई बहुत टाइम से रैप कर रहा है, पर इसको बहुत लोग नहीं जानते थे पहले, पर जब इसने एमिवे बंटाए के साथ बीफ की, बैटल की, तब से ये पहचान में आ गया, लोग इसका फोटो खिंचाने लगे और ये एक सेलिब्रिटी बन गया। कृष्णा के ऑफिशियल चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इसका मोस्ट व्यूड सॉन्ग है बचाएंगे फोर्ट, जो कि हाल ही की एमिवे को बीफ करते हुए या एमिवे को इसने डिस किया था उसके कारण है, और इसका बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है आई गेस, जो कि बैकग्राउंड में चल ही रहा है। पर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी है या ओल्ड वीडियो देखी है? इसकी फर्स्ट वीडियो ये थी कि एक स्टूडियो में ये प्रैक्टिस कर रहा था और इसके दोस्त ने इसकी वीडियो बना ली थी। चलो फिर मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। They will turn jealousy or make you burn. If it ain't about the money, then you know I ain't concerned. They wanna talk a lot of smack, always wanna rattle back. Mojo told me kill these haters, I'm like fam right. Full video aapko description mein mil jayegi aur iska ye gaana bhi aapko mil jayega. Dhanyawad. Number 4. ये गाना तो आपने सुना ही होगा, जो कि वो ज्यादा पॉपुलर है। ये बंदा बिग बॉस में भी जाके आया था, जिसका नाम है MC स्टैन। ये बहुत टाइम से रैप कर रहा है, पर इसको पहले कोई नहीं जानता था। जब एमिवे बंटाए ने इसको किया अपने गाने में डिस, तब से ये आ गया लोगों की पहचान में, फिर इसको वायरल हो गया, फिर ये वायरल हो गया। पर इसकी असली पहचान तब बनी जब ये बिग बॉस में जाके आया और वहाँ का विनर बना, तब इसकी पहचान हो गई, ये वायरल हो गया, इसके हाथ फोटो खिंचाने लगे वॉक और इसके इंटरव्यू होने लगे। पर तुम्हें ये पता है कि इसकी फर्स्ट वीडियो कौन सी थी? इसकी फर्स्ट वीडियो तब रिकॉर्ड हुई थी जब ये अपने गैंग के साथ रैप कर रहा था ग्रुप में, जैसा स्ट्रीट बॉय करते हैं ग्रुप में रैप। चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके ऑफिशियल चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। नंबर 3, रफ्तार। इस बंदे को तो आप जानते होंगे, जिसके रैप बहुत ज्यादा फेमस जाते हैं। इसका एक बहुत पॉपुलर गाना है, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ भैया, ये गाना आपने सुना ही होगा, मैंने भी सुना है। इस गाने में रफ्तार ने एमिवे बंटाए को किया था डिस। ये बंदा बहुत टाइम से मेहनत करता आ रहा है, पर इसको पहले कोई नहीं पहचानता था, फिर इसने बहुत ज्यादा मेहनत की, इसकी स्किल थी रैप पर, ये चला गया DID डबल्स। अब बहुत सारे मेरे जैसे लोग बोलेंगे कि यार ये DID डबल्स क्या है? ये DID डबल्स था, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल था डांस करने, और अच्छी बात ये है कि ये DID डबल्स में गया डांस किया और वहां पर सिलेक्ट भी हो गया, और इसकी वहां की जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी रही और ये टॉप 10 तक गया। टॉप 10 के बाद भी हो गया एलिमिनेट, टॉप 10 में एंट्री नहीं मिली भाई को। उसके बाद भाई ने सोचा कि चलो भाई रैप करते हैं, और रैप के बहाने भाई की बन गई बहुत बड़ी पहचान, बहुत ज्यादा फॉलोअर, और ये माफिया में डील में सिलेक्ट हो गया भाई मेरा। आलतू फालतू बात अपन नहीं करते हैं, चलो भाई इनकी फर्स्ट वीडियो देखते हैं। अब DID डबल्स में हो गया, जब ये DID डबल्स से हुए थे एलिमिनेट। पर अब तुम बोलो कि भाई यार ये तो रैप करने वाली है ही नहीं इनकी, ये तो प्राणी है ही नहीं, ये तो डांस कर रहे रैप नहीं कर रहे हैं। रुको भाई रुको, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इनकी DID डबल्स वाली क्लिप आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, और जिसमें ये डांस कर रहे होंगे, जिसमें एलिमिनेट होंगे और जिस रैप कर रहे हैं, सब लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। नंबर 2, एमिवे बंटाए। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका।
ये गाना तो आपने सुना ही होगा, टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था इस भाई का। तब से भाई को फेम मिलनी स्टार्ट हो गई थी। इस भाई का भाई हर एक सॉन्ग 20 मिलियन से नीचे जाता ही नहीं है, इनका हर एक सॉन्ग होता है वायरल। और भाई डिस बहुत करता है भाई अपनी वीडियो पे हर बंदे को, सच बता रहा हूँ मैं। और इस भाई से तो बच के रहूँ मैं तो कहता हूँ, पर भाई के सॉन्ग होते हैं वो दिल को छू के निकल जाते हैं, मैं तो कह रहा इतनी बड़ी गाने गाते हैं भाई। पर आज ये भाई जो इतने बड़े मुकाम पे बैठा है, 20 मिलियन लेके बैठा है अपने ऑफिशियल चैनल पे, पर आपको ये पता है कि इनकी फर्स्ट वीडियो कौन सी थी? मुझे पता है बहुत सारी ऑडियंस बोलेंगे पता है भाई और बनता है क्या बोलते तुम, ये भाई फर्स्ट वीडियो है। पर इनकी एक और वीडियो थी जिसमें एक ग्रुप रैप कर रहे थे और भाई फोटेज में आ गए, वो तो मुझे पता किसी को भी नहीं बताएगा। तो इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। तो चलो दिखाते फिर आपको, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे पता तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, करो। ये मीवे बनता ही है भाई, यही है यही है। तो फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी, इनके चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। नंबर वन सिद्धू मूसेवाला, इनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग इनके जानते हैं, द लेजेंड, जिन्हें हम लेजेंड भी कहते हैं, जिनके हर एक गाने 100 मिलियन से ऊपर जाते हैं भाई, 100 मिलियन से ऊपर, आप सोच सकते हैं 100 मिलियन से ऊपर। इनकी इंट्रोडक्शन की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम सीधा आपको वीडियो दिखाते हैं इनकी फर्स्ट। इनकी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें ये शादी में पा रहे थे बोली। इनकी मुझे एक और वीडियो मिली जिसमें ये स्टूडेंट थे और इंटरव्यू दे रहे थे कॉलेज में अपना, तो आपको दोनों वीडियो दिखाऊंगा। तो उससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, चलो फिर देखते हैं। आपको दोनों वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी हमें, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और भाई जितनी ज्यादा वीडियो अच्छी लगी उतनी ज्यादा लाइक कर देना। ऐसी और वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, तो धन्यवाद इस चीज का।